अब खबरें विस्तार से। मुड़ापार बाईपास पर स्थित एक जमीन को लेकर विवाद काफी गहराया हुआ है। कई वर्ष पहले इस जमीन के एवज में एक व्यक्ति ने यूको बैंक से 9 लाख रुपयों का लोन लिया था। यह राशि अदा नहीं करने से बकाया 30 लाख से ज्यादा का हो गया। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर इस मामले में अगली कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर यहाँ जमकर हंगामा हुआ। कोरबा के मुड़ापार बाईपास रोड पर आज उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब एक जमीन के सामने यूको बैंक के द्वारा कानूनी स्थिति से संबंधित बोर्ड लगाने की कोशिश की गई। सुरक्षा के साथ बैंक के अधिकारी यहां पहुंचे हुए थे। इस दरमियान एक व्यक्ति के द्वारा बोर्ड को हटाकर फेंक दिया गया। बाद में उसे मौके पर लगा दिया गया जिसमें जमीन को बंधक बनाने और आगे कुर्क करने की बात लिखी गई। जानकारी के अनुसार इस जमीन के आधार पर एक व्यक्ति ने कुछ वर्ष पहले यूको बैंक से 9 लाख रुपए का कर्ज लिया था और इसे अदा नहीं किया। वर्तमान में यह राशि बढ़कर 30 लाख से ज्यादा की हुई है। पिछले वर्षों में बैंक की ओर से यह मामला जबलपुर हाईकोर्ट में लगाया गया था जिस पर वहां से आगे की व्यवस्था की गई। यूको बैंक के प्रबंधक ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर अगली कार्रवाई की जा रही है। प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कोर्ट करा रहा है। बैंक की एक फॉर्मेलिटी मतलब बैंक की प्रोसेस के लिए मामला क्योंकि जो भी है कोर्ट की तरफ से जो भी अभी आदेश आए हुए हैं प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करने के लिए तो शासन के साथ शासन के सहयोग लेके हम लोग इसको अटैचमेंट की फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट में लोन का अमाउंट जब दिया गया था 9 लाख के आसपास वर्तमान में क्या वर्तमान में लगभग 30 लाख के आसपास। सूत्रों से प्राप्त जानकारी में बताया गया कि संबंधित जमीन को लेकर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि वह SSL की लीज की है। ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति को वित्तीय संस्था के द्वारा किस आधार पर लोन दिया जाता है यह स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बैंक ने जिस व्यक्ति को लोन दिया था उसका अब तक कोई अता पता नहीं है, ना ही वह कार्रवाई के दौरान उपस्थित हुआ है। इसलिए बैंक के द्वारा की जा रही कार्रवाई का वे लोग विरोध कर रहे हैं जो मौके पर यहां मौजूद हैं। ऐसे में जमीन की आधिकारिकता और रकम की भरपाई के लिए आगे की कार्रवाई बैंक किस तरह से कर सकेगा यह अपने आप में काफी पेचीदा मसला बना हुआ है। कोरबा से मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।